यहाँ लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। टैक्सेस के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सैलरी है वो US से भी ज्यादा है। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और सेकंड पार्ट लग्जमबर्ग सीरीज का जो है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सैलरीज इन लग्जमबर्ग, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के बारे में। काफी सारी अच्छी चीजें इस वीडियो में होगी, जैसे अनस्किल्ड प्रोफेशन की सैलरी कैसी कितनी होती है, स्किल प्रोफेशनल की सैलरीज कितनी होती है, मिनिमम सैलरी वेज कितनी होती है, हाईएस्ट होती है यूरोप में तो कितना कंपैरिजन कर सकते हैं, लाइक डबल होती है उससे ज्यादा होती है। काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे इस वीडियो में, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो जो है वो चालू करते हैं। बट फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, जो कि है ओवरव्यू ऑफ लग्जमबर्ग। और अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, सिक्योर अ जॉब इन लग्जमबर्ग करके एक कोर्स है, वो भी जरूर चेकआउट करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात तो ये हो गई कि लग्जमबर्ग जो है वो हाईएस्ट पे करता है, ना कि सिर्फ यूरोपियन कंट्री की बात करें बल्कि अगर हम दूसरे देशों की भी बात करें तो उससे बहुत ज्यादा पे करता है। लाइक लग्जमबर्ग की जो सैलरी है वो US से भी ज्यादा है, स्विट्जरलैंड से कम है, बट सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है वर्ल्ड में। द बेस्ट थिंग ये है कि लग्जमबर्ग में मूव करना ईजी है, वेयर एज अगर स्विट्जरलैंड की बात करें जो नंबर वन है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो वहां पर मूव करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जस्ट रिवीलिंग वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ लोग 2 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं 8 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस पर ही। तो अगर आपको IT सेक्टर में हो, आप फाइनेंस सेक्टर में हो, अगर आपको 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लोग एवरेज सैलरी लाइक 2050 के मतलब यूरोस तक कमाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सैलरी है। तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है और आप इन दो सेक्टर्स में हो तो आप इतना कमा सकते हो लग्जमबर्ग में। अब एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी जो लग्जमबर्ग की है वो अराउंड फॉर अनस्किल्ड प्रोफेशन 2500 यूरोस पर मंथ है। और अगर हम बात करें स्किल प्रोफेशन की, तो स्किल प्रोफेशन कैटेगरी की बात करें तो वो है अराउंड 3500 यूरोस पर ईयर। इवन कुछ जो कंपनीज हैं या कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो क्लेम करती हैं, कुछ आर्टिकल्स क्लेम करते हैं कि लग्जमबर्ग की एवरेज सैलरी जो है वो अराउंड 4000 यूरो है पर मंथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर टैक्सेस के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज जैसे अमेजोन हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ पर हैं, यूरोपियन ऑफिसेज। उसका मेन रीज़न ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनीज को भी, प्लस जो काम करते हैं उनको भी। लाइक जर्मनी में काफ़ी सारा जो है हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है, बट आपकी सैलरी बहुत 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 ज़्यादा हो तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये सैलरी जो मैं आपको बता रही हूँ इस पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो टैक्स है। सबसे पहले बात मैंने आपको सैलरी कंपैरिजन बता ही दिया, बट सैलरी कंपैरिजन पे एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि यहाँ की जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस है देन अदर यूरोपियन देश। एक और बात, लग्जमबर्ग जो है वो आपकी एज के हिसाब से मिनिमम वेज जो है वो ऑफर करता है, बट वो हम एज के हिसाब से कितना मिनिमम वेज है वो वीडियो में बात करेंगे, और जो टॉप प्रोफेशंस हैं उनकी कितनी सैलरीज होती है वो बात करेंगे। लग्जमबर्ग का एक विजन है कि इनको सिलिकन वैली ऑफ यूरोप बनना है। सिलिकन वैली की अगर हम बात करें तो उसमें हाईएस्ट जो है वो सैलरी ऑफर होती है। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंट्री का विजन या एम्बिशन ये है कि आपको उस तरीके की सैलरी दे या उस तरीके का एनवायरनमेंट दे जो सिलिकन वैली का है आज। तो अगर ये भी एक फैक्टर कंसीडर कर सकते हो तो ये कंट्री को आप कंसीडर करो। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नियरली 1/3 ऑफ जो लोग हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। रीजन कि वहाँ पर अगर हम सिर्फ लग्जमबर्ग सिटी की बात करें जहाँ पर हाईएस्ट जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बैंक हैं एक सिटी के अंदर। बिकॉज लग्जमबर्ग पर GDP जो है वो richest कंट्री है और पर GDP इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर्स जैसे फाइनेंसिंग हो गया,
बैंकिंग हो गया, उसमें सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, प्लस सैलरीज भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया स्किल कैटेगरी और अनस्किल कैटेगरी, सबसे पहले स्किल कैटेगरी की बात करें। स्किल कैटेगरी में जो है वो जैसे डॉक्टर्स हो गए, अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी डिग्री ली है और उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो वो सारी जो प्रोफेशंस होते हैं वो स्किल कैटेगरी में आते हैं। आईटी प्रोफेशन के लोग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लोग, लीगल एडवाइजर्स जो होते हैं, कंसल्टिंग फील्ड में होते हैं वो लोग, नर्सिंग एरिया होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो स्किल कैटेगरी में आते हैं। और स्किल कैटेगरी में जो सैलरीज होती हैं वो कंपैरेटिवली हाई होती हैं, प्लस बैंकिंग और फाइनेंसिंग जो है वो भी स्किल कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं अनस्किल कैटेगरी। अनस्किल कैटेगरी भी हम ये नहीं बोल सकते अनस्किल, बिकॉज यहाँ पर भी जो अर्निंग है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती है लग्जमबर्ग में। बट अगर हम देखें, जैसे अगर आप एक मैकेनिक हो या फिर आप सर्विस कोई काम कर रहे हो लाइक घर का रिपेयरिंग, या फिर आप एक कंस्ट्रक्टर वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या फिर आप किसी और फील्ड में हो, काफ़ी सारे यहाँ पर काम होते हैं, उस सब में जो है वो ये सब अनस्किल कैटेगरी में आता है। इवन अगर आपको एक बस ड्राइवर बनना हो, ड्राइविंग करनी हो, कैब ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ये सारे जो हैं वो अनस्किल कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला ये वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है, पर जीडीपी जो है वो सबसे बेस्ट है यहाँ का, इसलिए इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। आप बताइए आपके लिए इन योर टर्म्स गरीब देश कौन सा होता है और अमीर देश कौन सा होता है? किस देश को आप अमीर समझते हैं, किस देश को गरीब समझते हो, ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपको एवरेज सैलरीज बताऊँ टॉप प्रोफेशंस की, जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी मिनिमम वेज होती है। तो अगर हम बात करें 15-17 ईयर ओल्ड, लोएस्ट मिनिमम वेज लग्जमबर्ग की जो है वो 1928 यूरोज पर मंथ है। अगर हम टीनेजर की बात करें, जैसे 17-18 ईयर्स ओल्ड, उसकी थोड़ी स्लाइटली हायर होती है, जैसे 2056 यूरोस पर मंथ के लगभग। और अगर हम 18 से ज़्यादा की बात करें तो वो मिनिमम वेज होती है 3085 यूरोस पर मंथ। तो जैसे जैसे आपका एज जो है वो इंक्रीज होता रहता है, आपकी सैलरीज भी मिनिमम वेज का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होता रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये, कि मतलब आप जितने बड़े हो आप उतना अच्छा कमा रहे हो, एंड दिस इज़ मिनिमम, कि इतना तो पे करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा फिर आप कितना भी कमा सकते हो यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि सैलरीज कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड्स में हो तो ज़रूर कमेंट करना जो जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे हेल्प मिलेगा कि मुझे आगे कैसे वीडियोज़ बनाने हैं, किसके लिए बनाने हैं, आप लोग किस प्रोफेशन से हो, किस नहीं ईयर का ऑफ एक्सपीरियंस है, वो भी आप एक्चुअली कमेंट कर दो जब तक मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे वर्कर्स, जैसे आईटी हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इंश्योरेंसेस में हो गए, एजुकेशन में लाइन में हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर्स में हो गए, ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट जो है वो अर्न करते हैं कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। जैसे टीचर की मैं बात करूँ तो टीचर जो है उनकी सैलरी, अगर वन ईयर का एक्सपीरियंस है, जो 77,000 यूरोज जो है वो पर ईयर कमाएंगे, और अगर कोई टीचर का एक्सपीरियंस 15 ईयर्स से भी ज़्यादा है तो उनकी सैलरी 100,000 यूरोज से भी ज़्यादा होगी, जो आई डोंट नो यहाँ जर्मनी में नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल है इतनी सैलरी मिलना। मैंने आपको बहुत सारे ऑफिसेज बताए जिनके यहाँ पर हेडक्वार्टर हेड ऑफिस हैं यूरोप के, जैसे अमेजोन हो गया, मिलीकॉम हो गया, पेपल हो गया, एप्पल, आईट्यून्स हो गए, स्काइप हो गया, इन सब के हेड ऑफिस हैं यहाँ पर। तो ऑफकोर्स इनको टैक्स बेनिफिट्स हैं, और आप इन कंपनीज में जो है वो अप्लाई भी कर सकते हो, कंपनी लिस्ट जो है वो कैप्शन में आपको मिल जाएगी। चलो तो हम टॉप फाइव की बात करें। सबसे पहले अगर आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो उसकी सैलरी अराउंड 87,000 या 88,000 यूरोज होगी। एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो अराउंड 70,000 यूरोज होगी। एक लीगल काउंसलर हो तो अराउंड 55,000 यूरोज होगी। एवरेज बता रही हूँ, उससे ज्यादा ही कमाते हैं लोग। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप विदाउट किसी एक्सपीरियंस है, एक आध साल के एक्सपीरियंस पे, तो अराउंड 50,000 यूरोज होगी। एक फाइनेंशियल सेक्टर में हो तो वो भी 46,000 से 50,000 यूरोज जो है वो सैलरी होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट प्रोफेशन इज डॉक्टर। जैसा कि मैंने आपको बोला डॉक्टर हाईएस्ट यहाँ पर जो है सैलरी कमाते हैं, उनकी 120 मिनिमम
120K यूरोस जो है वो मिनिमम सैलरीज यहाँ पर एवरेज होती हैं डॉक्टर्स की, एंड अगर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती रहती है. एक आईटी स्पेशलिस्ट की सैलरी 5000 से 7000 यूरोस पर मंथ होती है. अगर आप पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हो तो उसकी सैलरी जो है वो 8868 यूरोस पर मंथ होती है, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर होती है. अब हम बात करते हैं ब्लू कार्ड स्पेशलिस्ट. जब आप लग्जमबर्ग आते हो इंडिया से तो आपको ब्लू कार्ड मिलता है, और ब्लू कार्ड की एक सैलरी डिफाइंड होती है कि आपको मिनिमम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए तभी आप ब्लू कार्ड पे आते हो, विच इज़ ऑल्सो अ इंटरेस्टिंग फैक्ट. क्योंकि अगर आप किसी भी स्किल प्रोफेशन से यहाँ पर आओगे तो आपको मिनिमम उतनी सैलरी मिलनी चाहिए तभी आपको ब्लू कार्ड वीज़ा मिलता है. और ये वीज़ा जो होता है ये एक वर्क वीज़ा होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो द इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर मतलब यहाँ एक नंबर डिफाइन नहीं करे हैं जैसे जर्मनी में डिफाइन करे हैं या दूसरी कंट्रीज़ में डिफाइन करे हैं. यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपकी मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ दैट मार्केट होना चाहिए. तो आप का जो भी प्रोफेशन है आप उसको निकालो, उसकी मिनिमम सैलरी निकालो, उसका 1.5 टाइम्स तो आपको सैलरी ऑफर होनी ही चाहिए आपके एम्प्लॉयर से, तभी आप इस पर्टिकुलर वीज़ा पे आओगे. दैट मीन्स कि आपको इतना तो सैलरी ऑफर करना ही पड़ेगा अगर आप इंडिया से यहाँ पर आ रहे हैं या किसी और दूसरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं एज ए स्किल प्रोफेशन. अब हमने बात कर ली थी स्किल के बारे में, टॉप मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. और भी किसी प्रोफेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आप जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें बताऊँगी. या फिर रील्स जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी मैं काफ़ी सारे सैलरीज रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगी. अब हम अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड वर्कर्स की बात कर लें. जैसे आप ऑटोमोबाइल्स ट्रेडिंग सेक्टर में हो, रिपेयरिंग फील्ड में हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, केटरिंग हो गए, ह्यूमन हेल्थ या सोशल एक्शंस में हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट या वेयर हाउसिंग में हो, ये सारी जो है वो अनस्किल प्रोफेशन की कैटेगरी में आ जाता है. ओके, एंड अदर देन एनी प्रोफेशन अगर आप लो तो 25,000 से 30,000 यूरोज लाइक जो मैंने आपको बोला अनस्किल कैटेगरी में लोग कमाते ही हैं. आप किस प्रोफेशन से आते हो, वेदर अनस्किल और स्किल प्रोफेशन, वो कमेंट करना क्योंकि मैं आपका वेट करूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मैं कंबाइन करके आपके हिसाब से आपको जॉब जो है वो पोस्ट करूं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे या यहाँ पर. तो प्लीज़ वो लिखना मत भूलना. सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लग्जमबर्ग में कितना पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ पर लग्जमबर्ग में लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो काफ़ी ज़्यादा जानी मानी बड़ी कंपनीज हैं जो काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑफर करती है. तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका लिमिट जो है वो अनलिमिट है, क्योंकि आप सैलरीज जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी बढ़ती जाएगी, और क्योंकि लोग भी इतने नहीं हैं तो आपके चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. एक और बात मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पर लग्जमबर्ग के आसपास की कंट्रीज़ से भी लोग जो है वो काम करने आते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्री हो गई बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी. अगर हम इसकी भी एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लग्जमबर्ग के उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा सैलरी ऑफर होती है. तो जैसे अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जो सैलरी है वो 2155 यूरोस पर मंथ है. जर्मनी की बात करें तो 2085 यूरोस पर मंथ है. और अगर हम फ्रांस की बात करें जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है, तो 1800 यूरोस पर मंथ है. तो अगर आप इन सब से भी कंपेयर करो तो इवन स्किल कैटेगरी में इट्स अराउंड 3500 यूरोस एंड अनस्किल में अराउंड 2500 यूरोस, जो काफ़ी ज़्यादा है. तो यहाँ के भी लोग जो हैं वो लग्जमबर्ग जाके काम करते हैं, जो लग्जमबर्ग से लगी हुई सिटीज़ हैं वहाँ पर काम करते हैं, तो आपके भी हैं. द बेस्ट थिंग इज़ जो जॉब पोर्टल्स हैं उसमें आप डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई कर सकते हो. आपको एम्प्लॉयर जो है वो अगर जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो इंडिया से. How to find a job in Luxembourg, how to secure a job in Luxembourg करके एक कोर्स है जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने सारी ही डिटेल्स आपको बताई है, CV format, resume format, how to apply jobs, where to apply jobs,
वो सारी चीज़ें वहाँ पर है, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लो। और कोई सी सैलरी अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करो कि इसकी एवरेज सैलरी कितनी है। और हाँ, वो कमेंट करना मत भूलना कि आपके लिए अमीर देश कौन सा है और गरीब देश कौन सा है। मैंने इसलिए बताया, मैं किसी को मतलब भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि लग्जमबर्ग एक बहुत छोटी कंट्री है यूरोप की। मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो इतनी सी एनयूसी 6,50,000 करके जो है वो लोग रहते हैं, स्टिल वो जो है वो इतनी अमीर देश है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और अच्छी सैलरी दे रही है। उससे पता चलता है कि हाउ यूनिक दिस कंट्री इज़। तो आप भी ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सी है, मे बी इन दैट टर्म्स कि आप इस कंट्री में जाना चाहते हो या एज ए देखते हो, ड्रीम देखते हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कमेंट करना। लाइक मेरे लिए यहाँ आने से पहले स्विट्ज़रलैंड थी, बट स्विट्ज़रलैंड ऑफकोर्स बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करती है, बट बाहर के लोगों को जॉब मिल तो जाती है बट लॉन्ग टर्म पे वो रहना बहुत ही मुश्किल है। लग्जमबर्ग में ऐसे कोई बॉन्डेशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर वेट करूँगी। एंड हाँ, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो कि नेक्स्ट लग्जमबर्ग का वीडियो कौन सा आने वाला है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपने एक्चुअली में सही कमेंट किया, आप में से किसी ने, तो मैं आपको काफ़ी अच्छा सरप्राइज दूंगी, फॉर श्योर। मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको काफ़ी अच्छा सरप्राइज दूंगी। बाय बाय फॉर नाउ।